आप देख रहे हैं देश खबर 24 और वक्त है खबरों का। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुए बहुचर्चित उमेश पाल हत्याकांड के बाद अब सीएम योगी एक्शन मूड में नजर आ रहे हैं। हाल ही में हुए मुठभेड़ के दौरान हत्याकांड में शामिल आरोपी अरबाज को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया था, जबकि सदाकत नाम के आरोपी सहित हत्याकांड में इस्तेमाल की गई क्रेटा कार के मालिक बिरयानी बेचने वाले नफीस को हिरासत में लिया गया है। यूपी पुलिस द्वारा की जा रही इस कार्रवाई के बीच आज उमेश पाल के हत्याकांड के मुख्य साजिशकर्ता बताए जा रहे अतीक अहमद के करीबी के घर पर बुलडोजर चलाया गया है। यह कार्रवाई घूमनगंज थाना क्षेत्र के चकिया मोहल्ले में स्थित जफर अहमद के घर पर की गई है। बताया जाता है कि इसी घर में अतीक का परिवार किराए पर रहता था। कार्रवाई के दौरान जफर के घर से पुलिस को तलवार, पिस्टल और राइफल भी मिली है। दरअसल जफर के दो मंजिला मकान को प्रयागराज विकास प्राधिकरण की टीम द्वारा गिराया गया है। दो मंजिला घर की मार्केट वैल्यू करीब 3 करोड़ रुपए की गई है। अतीक का मकान जब जब्त किया गया था तो जफर ने ही उसके परिवार को अपने घर में पनाह दी थी। जफर अतीक का खास गुर्गा है और दोनों बिजनेस पार्टनर भी हैं। हाल ही में उमेश पाल ने जफर पर ही केस दर्ज कराया था। बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड के बाद सीएम योगी ने विधानसभा में ऐलान किया था कि माफिया को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। इसके बाद पुलिस और प्रशासन एक्शन में दिख रहा है। एक आरोपी अरबाज का एनकाउंटर कर दिया गया है और सदाकत नाम के आरोपी को पकड़ लिया गया है। वहीं हत्याकांड में इस्तेमाल की गई क्रेटा कार के मालिक यानी बिरयानी बेचने वाले नफीस को भी पुलिस ने हिरासत में ले रखा है। गौरतलब है कि उमेश की हत्या 24 फरवरी को घूमनगंज में की गई थी। इसमें 13 शूटर शामिल थे, 6 गोली चला रहे थे जबकि 7 आरोपी बैकअप में थे। हत्या की साजिश मुस्लिम हॉस्टल में रची गई थी। साजिश में अहम रोल अहमदाबाद के साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ का निरचा था। अशरफ बरेली जेल में बंद है और जेल से ही दोनों व्हाट्सएप कॉल के जरिए अपने गुर्गों से जुड़ते थे। यह खुलासा इलाहाबाद हाई कोर्ट का वकील और हत्या में शामिल सदाकत खान ने पूछताछ के दौरान किया है। मामले में उमेश पाल की पत्नी जयापाल की शिकायत पर घूमनगंज थाने में अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ, उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन, उसके दो बेटों, उसके साथी गुड्डू मुस्लिम और गुलाम के साथ ही 9 अन्य लोगों के खिलाफ FIR की गई है।